Cause I'm ready to go. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो म्यूजिक सीरीज। आज हम बात करेंगे अब हम अपने सबवूफर को कैसे पहचाने कि ये ओरिजिनल है या फेक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो ये कॉपी आते हैं हमारे पास, जो भी सबवूफर मान लो या कोई भी चीज़ मान लो कॉपी बन के आती है, वो किस लिए आती है तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि जब मान लो हमें कंपनी एक अच्छी चीज़ दे रही है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रही है, अब उसकी कॉपी हमें मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो जो कॉपी होगी ना वो दिखने में वैसी होगी लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको जो हमें कंपनी दे रही है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आपको घटिया क्वालिटी मिल जाती है सिर्फ कंपनी का स्टिकर लगा के। कंपनी का स्टिकर लगा के आपको एक घटिया चीज़ मिलती है कंपनी के नाम के साथ, और आप सोचते हो वो चीज़ कंपनी की है, ख़राब है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज कि हम लोग कैसे जाने कि जो हमारे सब वूफर होते हैं उनको, वो हमारे ओरिजिनल हैं या फेक हैं, कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी डस्ट कैप की। डस्ट कैप से शुरू करते हैं हम। जो डस्ट कैप के एज होते हैं हमारे, ये किनारे होते हैं, इसकी पेस्टिंग देखा करो आप। अब कंपनी की तरफ से हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है, लेकिन जो आपका फेक होगा, डुप्लीकेट होगा, उसमें आपकी जो पेस्टिंग होगी वो घटिया सी लगेगी, बाहर निकली हुई दिखाई देगी आपको, या आपकी डस्ट कैप जो है टेढ़ी मेढ़ी होगी, ऐसा ही कुछ होगा उसके अंदर जो डस्ट कैप होगी आपकी। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले देखो आप, ठीक है दोस्तों। ये आप देख रहे हो एज हैं जो इसके, इसको देखो अच्छी तरह। उसके बाद आते हैं हमारे ये कोन के जो एज हैं, इनकी बात आती है। इनकी पेस्टिंग भी आपको ऐसी ही मिलेगी, घटिया सी, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी यहाँ पे भी आपको। उसके बाद आती है हमारी रबड़, ये जो आप देख रहे हो, जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रबड़ होती है। ये रबड़ भी ऐसी होगी कि अब हम नया लेते हैं ना तो उसी, ये जो कोन है हमारी, इसी के कलर की मिलती है ये। और अगर जो आप फेक लेते हो तो फेक में इसका कलर आपको अलग मिलेगा और आपकी कोन का अलग हो जाएगा रंग, मतलब अलग ही दिखाई देगी आपको ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये डस्ट कैप पे जो स्टिकर लगा हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये तो अभी ऊपर की तरफ है, उठा हुआ है ये ऊपर, लेकिन वो क्या होगा, आपको सिर्फ स्टिकर लगा के दे देंगे या डस्ट कैप पे छपा हुआ मिलेगा आपको ये डस्ट कैप पे यहाँ पे। तो अभी तो ये उठा हुआ है, देख लो अब आपके सामने है ये उठा हुआ है ऐसे, ये जो होगा तो ओरिजिनल में ये सब मिलेगा आपको। उसके बाद आती है हमारी बास्केट। जो बास्केट होगी ये देख लो एक बार, बास्केट को अच्छी तरह ध्यान से देख लो आप कैसी होगी बास्केट, ये पहचान लो आप अच्छी तरह बास्केट को, देख लो। मतलब उसके डिज़ाइन में फ़र्क मिल सकता है। उसके बाद मैग्नेट आती है हमारी। मैग्नेट में क्या होगा, आपको छोटी मैग्नेट भी मिल सकती है, आपको बड़ी मैग्नेट भी मिल सकती है, बट साइज़ ये है इसका, आप देख लो एक बार, इसको दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, साइज़ यही होना चाहिए इसका। ये आपको बड़ी भी मिल सकती है, छोटी भी मिल सकती है। और टर्मिनल देख लो आप एक बार, इसके टर्मिनल कैसे हैं। उसके बाद आता है हमारा पीछे का स्टिकर, ये भी सेम ही मिलता है बट थोड़ी बहुत हेर फेर हो जाती है इसके अंदर भी आपकी, मतलब कोई ना कोई तो कमी मिल जाती है अगर आप ढूंढोगे तो, अगर आप ढूंढते हो तो आपको कमी मिल ही जाती है। सीरियल नंबर तो देखो एम ही चिपका देते हैं, कोई भी चिपका देगा सीरियल नंबर, अब देखोगे कैसे, जानोगे कैसे सीरियल नंबर को, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसमें एक नेट दिखाई दे रही है, जाली दिखाई दे रही है आपको, देखो सामने की तरफ एक जाली दिखाई देगी आपको इसी सबवूफर में, सामने की तरफ एक जाली है, उसको देखो वो किस तरह की आपकी, वो देखो एक अच्छी, एक बार अच्छी तरह दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को, देख लो एक बार। वो नेट भी आपकी इसी तरह की होनी चाहिए, कईयों में आपको नेट मिलेगी और कईयों में आपको कुछ और नेट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइडर की। जो हमारी स्पाइडर होगी वो हार्ड, जो फेक होगा हमारा सबवूफर वो हार्ड तो होगी उसके अंदर भी, बट वो लो क्वालिटी की होगी, उसके ऊपर पेस्ट लगाया हुआ होता है कुछ इस तरह का, उससे वो हार्ड हो जाती है आपकी स्पाइडर।
तो और होती वो काफ़ी पतली है, आप हाथ लगा के देख सकते हो कि जो आपकी ओरिजिनल है स्पाइडर, हाथ लगा के देखोगे ना इसको तो काफ़ी ज़्यादा आपको हार्ड भी लगेगी और आपको महसूस भी होगा कि ये स्पाइडर मोटी है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपको हार्ड तो लगेगी वो फेक के अंदर, लेकिन वो महसूस नहीं होगी कि वो मोटी है, वो सिर्फ हार्ड हार्ड लगेगी, जो कुछ टाइम चलने के बाद वो लूज़ होके आपका सबवूफर की आवाज़ बिल्कुल फट जाएगी, मज़ा नहीं आएगा आपको थोड़ा टाइम बाद, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अच्छी तरह देख लो इन सब चीज़ों को, उसके बाद ही अपना सबवूफर लेना आप, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लो हर एक चीज़ को, देखो आप स्पाइडर देख लो, ये बास्केट देख लो अपनी, और जो मैंने कोन की पेस्टिंग बताई है आपको, और जो आपकी ये कोन है ये आपको हार्ड मिलेगी ओरिजिनल में, और जो फेक होगा उसके अंदर आपको बिल्कुल हल्की मिलेगी। उसके बाद एक बार लीड वायर देख लो आप, इसकी जो लीड वायर है हमारी सबवूफर की ओरिजिनल की, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, और जो फेक होगा उसके अंदर आपको इसका भी फ़र्क मिल जाएगा। एक बार देख लो अच्छी तरह पूरा सबवूफर, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन सब चीज़ों को नोट कर लो, उसके बाद ही अपना सबवूफर ख़रीदना। एक बार टर्मिनल और बता दूं मैं आपको, टर्मिनल जो होंगे वो मोटे, सॉरी जो लीड वायर होगी वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है इसकी ओरिजिनल की, और फेक की बहुत ज़्यादा पतली होती है, ठीक है दोस्तों। तो यही सब था आज की इस वीडियो में, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।